जैसा कि मैंने आपको बताया है एक दूसरी वीडियो में कि एक नया एक्ट लाया गया जिसके तहत अब राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते इलेक्शन कमिश्नर्स की, बजाय इसके एक कमेटी बनाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री, एक यूनियन मिनिस्टर और साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन या जो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं उनको रखा जाएगा। तो अगर उसमें 2-1 हो गया तो भी प्रधानमंत्री अपनी मर्जी के इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकते। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अभी अपॉइंट किया जाना है और 15 मार्च 2024 को इस कमेटी की बैठक होनी है, ऐसा सुना जा रहा है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर जी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक एप्लीकेशन मूव किया है जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त करी है कि जो पहले की प्रक्रिया है उसी हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट हो, ना कि इस एक्ट के तहत जो दिसंबर 2023 में पास किया गया और जिसमें पूरा का पूरा अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके एक मंत्री के हाथ में होगा। देखना यह होगा कि उसमें फैसला क्या आता है।